की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। अभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जिंदगी सच्चाई, ईमानदारी और बिना किसी गलत कार्यों के साथ यदि आप जीते हैं तो विश्वास मानिए कि आप सबसे खुशमिजाज, सबसे सुखी इंसान हैं। क्योंकि डर उसे ही लगता है जो गलत करता है, भय उसी के अंदर में 24 घंटा चलते रहता है जो गलत करता है। इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे मन में भय की भावना आए, डर की भावना आए। इससे आपका आत्मविश्वास तो डोलता ही है, साथ ही साथ आपकी एकाग्रता टूटती है, मानसिक क्षमता कम होती है और आपका सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा लोगों की भलाई करें, हमेशा अच्छे कार्य करें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे मन में आपके डर का माहौल कायम हो। छतगन, डर उसी को होता है जो गलत होता है। इसलिए ऐसा कार्य करना ही क्यों कि डर का माहौल मन में कायम हो जाए और आप हमेशा चिंताग्रस्त रहें, अवसादग्रस्त रहें और मन में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करें कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये होगा। कितना दूर तक आप सोच लेते हैं, मैंने ऐसा किया है अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। इसलिए इन सब विचारों को निकालें और संकल्प ले लें कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे मन में डर की भावना आए, मेरे मन में भय का वातावरण आए, मेरे मन में जो है एक ग्लानि की भावना आए। ये ध्यान रखेंगे छात्रगण, है ना। चूंकि विद्यार्थी का जीवन बहुत ही एक अद्भुत अद्वितीय जीवन होता है और इस समय आपका कार्य केवल और केवल पढ़ाई है, आपका कर्तव्य केवल और केवल पढ़ाई है, दूसरे तरफ आपको कहीं भी नहीं जाना है। छात्रगण, आपका रास्ता, आपकी मंजिल आपका कैरियर है और इसे ही सवारें, इसे ही निखारें, यही आपको आने वाले 60-62-65 साल तक काम आएगा। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, इन्हीं सब सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ कल हम लोगों ने जनजाति कृषक मजदूर वामपंथी आंदोलन की शुरुआत की थी। छात्रगण, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल कई विद्रोहों के बारे में आपने जाना था, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। छात्रगण, हेडिंग बनाइएगा अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, लिखेंगे छतकन। यह विद्रोह असम राज्य में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अठारह सौ अट्ठाईस में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। पूछेगा अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? असम में हुआ था। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। यह विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था। छतगन, ध्यान रखेगा यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट क्वेश्चन है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछा जाता है। इसलिए आपको इस पर पैरी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, है ना। छतगन, नेक्स्ट विद्रोह की ओर आ जाइएगा। कोल विद्रोह
1831-32 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट, इस विद्रोह के मुख्य नायक बुद्ध भगत थे। इनवाइट कॉमा अंडरलाइन लाल कलम छात्रगण, बुद्ध भगत थे। नेक्स्ट, बुद्ध भगत झारखंड के ऐसे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर अंग्रेजों ने 1,000 रुपये का इनाम रखा था। 1,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट, इस विद्रोह के अन्य नेता निम्न थे। नंबर एक, बिंद राय सुरगा। सिंध राय बिंद राय सुरगा सुरगा छगन ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए एक एक चीजों पर पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को छतगन आपको याद रखना होगा। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, कोल विद्रोह का कार्यकाल कब से कब तक था? 1831-32। कोल विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? झारखंड में हुआ था। कोल विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्ध भगत थे। ध्यान रखिएगा छतगन, बुद्ध भगत इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। छतगन, ब्रिटिश सरकार ने इन पर 1,000 रुपये का इनाम रखा था गिरफ्तारी के लिए। बुद्ध भगत प्रथम ऐसे क्रांतिकारी थे झारखंड के, प्रथम ऐसे विद्रोही थे जिन पर अंग्रेजों ने गिरफ्तारी के लिए 1,000 रुपये का इनाम रखा था। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी। छतगन पूछेगा, कोल विद्रोह से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का संबंध नहीं था? नंबर एक बुद्ध भगत, नंबर दो सिंध राय, नंबर तीन बिंद राय, चौथा दे देगा छतगन सिद्धू, है ना? तो सिद्धू का संबंध नहीं था। सिद्धू कान्हू भैरव चांद का संबंध है किससे? संथाल विद्रोह से, है ना? तो छतगन ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ था, किस राज्य में? झारखंड में। कब? 1831-32 में, है ना? किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर क्षेत्र में। झारखंड का वह प्रथम क्रांतिकारी आंदोलनकारी विद्रोही नेता कौन था जिन पर अंग्रेजों ने 1,000 रुपये का इनाम रखा था? बुद्ध भगत थे छतगन, बुद्ध भगत थे छतगन, बुद्ध भगत थे छतगन।
तो एक एक चीजों को छदगन ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों पर अपने आप को एकदम बना कर चलें छदगन, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं से भी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़े। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा छदगन, है ना। अगला विद्रोह का नाम लिखिएगा छदगन, कोल विद्रोह के पश्चात। ये सब झारखंड के विद्रोह हैं। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह, विद्रोह लिखे। यह विद्रोह 1832-33 में झारखंड में गंगा नारायण सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। छदगन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इस पर भी ध्यान रखना होगा, इस पर भी मनन करना होगा, इसको भी याद रखना होगा, इसको भी गौर करना होगा। छदगन बहुत जबरदस्त रूप से यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस पर आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। छदगन क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या जवाब आपको देना है। भूमिज विद्रोह का कार्यकाल कब से कब तक था? 1832-33। भूमिज विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ? झारखंड में हुआ था। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे, याद रखेंगे छदगन, है ना। छोटा सा टॉपिक है ये ज्यादा इसमें विस्तृत जानने की जरूरत नहीं है। अगले विद्रोह की ओर आइएगा छदगन, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह लिखे। इस विद्रोह का कार्यकाल 1855 से 1856 तक था। 1855 से 1856 तक था। नेक्स्ट, यह विद्रोह झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में हुआ था। नेक्स्ट, इस विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को 30 जून 1855 को संथाल परगना के राजमहल की पहाड़ियों में स्थित भोगनाडीह नामक स्थान में हुआ था। भोगनाडीह नामक स्थान में हुआ था। भोगनाडीह नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट, इस विद्रोह में
चार भाइयों, इस विद्रोह में चार भाइयों और दो बहनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिनके नाम निम्न हैं, नंबर एक सिद्धू कान्हू भैरव चांद, ये चार भाई हो गए छात्रगण। दो बहनें थी झानो फूलो। नोट डाउन करेंगे छतगन, सिद्धू कान्हू भैरव चांद, चार भाई थे छतगन, कविता टाइप का याद रखना है, सिद्धू कान्हू भैरव चांद है ना, और दो बहने थी झानो फूलो। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह, हूल विद्रोह भी कहा जाता है, हूल विद्रोह भी कहा जाता है, तथा प्रत्येक वर्ष इस विद्रोह की याद में झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, हूल दिवस मनाया जाता है, हूल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने भी किया है, तथा इसे भारत की प्रथम जन क्रांति, कहा है, नेक्स्ट, संथाल जिस स्थान में निवास करते थे, उसे दामिने कोह, कहा जाता था। नेक्स्ट, इस विद्रोह में चारों भाइयों और दोनों बहनों ने अपनी शहादत दे दी, झारखंड में
संथाल जनजाति, जनजाति सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, पूछेगा संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह का कार्यकाल कब से कब तक था? 1855 से 1856 तक था। छतगन ध्यान दीजिएगा, 1855 से 1856 तक था संथाल विद्रोह का कार्यकाल। पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए छतगन, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों का मनन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें, एक एक चीजों को याद रखें। छतगन दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी ध्यान देना है, उसे भी मनन करना है, उसे भी याद रखना है, उसे भी गौर करना होगा। छतगन दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, दूसरा सवाल जो आपसे आएगा उसको भी ध्यान दीजिएगा, उसको भी गौर कीजिएगा, उसको भी मनन कीजिएगा। छतगन आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसे भी ध्यान देंगे, उसे भी गौर करेंगे, उसे भी मनन करेंगे, उसे भी स्मरण करेंगे, उसे भी याद रखेंगे। छतगन आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, गौर कीजिएगा उस चीज को, पूछेगा संथाल विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह की याद में झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष 30 जून को कौन सा दिवस मनाती है? हूल दिवस। इसलिए इस क्रांति को हूल क्रांति भी कहा जाता है। छतगन पूछेगा किस विद्रोह को हूल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? संथाल विद्रोह को हूल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। छतगन इस विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी चार भाइयों ने, सिद्धू कानू भैरव चांद और दो बहनों झानो और फूलो ने। ध्यान रखिएगा छतगन, इन व्यक्तित्वों ने देश के लिए, मिट्टी के लिए, मातृभूमि के लिए शहादत दे दी। सिद्धू कानू भैरव चांद, झानो फूलो, कविता टाइप का याद रखिएगा छतगन। याराना पिक्चर आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन उसमें बोलवाता था कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, सब जन बोल रहा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का झापड़, है ना। तो छतगन वही चीज यहां भी है, आपको उसी तरीके से लड़ जाना है ना। सिद्धू कान्हू भैरव चांद, सिद्धू कान्हू भैरव चांद, सिद्धू कान्हू भैरव चांद, कविता टाइप का याद रख लीजिए। सिद्धू कान्हू भैरव चांद, झानो फूलो, झानो फूलो, झानो फूलो, झानो फूलो, तो क्या होगा? याद रहेगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ध्यान देंगे छतगन, है ना। याद रहेगा कि नहीं राजपाल जी, याद रहेगा कि नहीं, है ना। सिद्धू कान्हू भैरव चांद, झानो फूलो, तो सिद्धू कानू भैरव चांद को कविता टाइप याद कर लीजिए छतगन। सिद्धू कानू भैरव चांद, सिद्धू कानू भैरव चांद, सिद्धू कानू भैरव चांद, है ना। और दोनों बहने कौन थी? झानो फूलो, झानो फूलो, झानो फूलो, तो याद रहेगा आपको। पूछेगा सिद्धू कानू भैरव चांद का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह। झानो फूलो का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से है। झारखंड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? संथाल है। यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना प्रमंडल में हुआ था छतगन, 30 जून 1855 को, जिसकी याद में प्रत्येक वर्ष 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फूल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट लिखिएगा छतगन, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह छतगन, संथाल विद्रोह कितना प्रभावशाली था कि प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स ने भी इसे भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था। पूछेगा किस प्रसिद्ध विचारक ने, जिसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है, जिन्होंने दास कैपिटल लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा था, छतगन कार्ल मार्क्स ने कहा था इसे भारत की प्रथम जनक्रांति संथाल विद्रोह को। पूछेगा किस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था? संथाल विद्रोह को कहा था, है ना। संथाल विद्रोह को किसने भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अब हेडिंग बनाइएगा छतगन, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह लिखे, इस विद्रोह का कार्यकाल 1895 से सन 1900 तक था। 1895 से सन 1900 तक था। नेक्स्ट, यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था।
हुआ था। नेक्स्ट, इस विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट, यह विद्रोह झारखंड की मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था गया था। नेक्स्ट, इस विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू उलीहातू नामक स्थान में उलीहातू नामक स्थान में हुआ था। खूंटी जिले के उलीहातू नामक स्थान में हुआ था खूंटी जिले के उलीहातू नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के जन्मदिवस 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा माता कर्मी मुंडा पत्नी साली मुंडा एवं गुरु आनंद पांडे थे। गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को निम्न उपाधियां दी गई थी। नंबर एक, धरती बाबा। नंबर दो धरती आबा। नंबर 3, भगवान बिरसा।
बिदशा। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया, 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के शुभ अवसर पर, हीरक जयंती के शुभ अवसर पर 1897 में बिरसा को रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर की पूजा करने का निर्देश दिया था। नेक्स्ट, बिरसा की मृत्यु 9 जून 1900 को, तीर का निशान देकर लिखेंगे छात्रगण, बिरसा की मृत्यु 9 जून 1900 को, बिरसा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा नामक रोग से हो गई। नेक्स्ट, बिरसा के प्रयासों से 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम जिसे सीएनटी एक्ट भी कहा जाता है, छात्रगण नाम सुना होगा आपने, बहुत चर्चाओं में रहता है सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम सीएनटी एक्ट के नाम से पारित हुआ था जिसके तहत आदिवासियों की जमीन को खरीदना और बेचना कानूनी अपराध माना गया। आदिवासियों की जमीन को खरीदना और बेचना कानूनी अपराध माना गया। तो छात्रगण, आज इस कक्षाओं में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगली कक्षाओं में छात्रगण हम लोग जानेंगे कि बिरसा मुंडा को आखिर 25 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्जा क्यों दे दिया गया। 25 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति को इंसान का दर्जा नहीं मिलता है, लेकिन इस महान व्यक्तित्व ने भगवान का दर्जा प्राप्त किया छात्रगण, और न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम बुलंदियों तक पहुंचाया था। प्रत्येक झारखंड वासी को बिरसा मुंडा के नाम पर गर्व है, अभिमान है,
और गौरव की अनुभूति होती है। तो छतगन बिरसा मुंडा को हम लोग समझेंगे जानेंगे अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सबों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।